दोस्तों, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड ए एंड बी इफ 1 अपॉन ए प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस 2i। अब यहाँ डिनोमिनेटर में ए प्लस आई बी है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा नंबर होना चाहिए, नंबर मतलब ये। तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे, तो इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे 1 अपॉन 3 माइनस 2i नीचे आ गया। अब इसकी जगह पर ए प्लस आई बी को लेकर चले जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो नंबर है इसको ये फॉर्म में लाना है, तभी हमको ए और बी मिलेगा। वो फॉर्म में लाने के लिए कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में है तो उसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता। मतलब कॉन्जुगेट का मतलब ये, यहाँ 3 माइनस 2 आए तो उसका कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 2 आए, तो उससे मल्टीप्लाई करो और उससे डिवाइड करो, ये उसका कॉन्जुगेट हो गया। इधर ए प्लस आई भी वैसा का वैसा, देखो मैंने ये वैसा का वैसा रख लिखा, ये भी वैसा का वैसा, बस लेफ्ट वाले टब को 3 प्लस 2 आए, 3 प्लस 2 आए से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर से पहले जो माइनस है उसका प्लस कर दिया बस। अब देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो वही आएगा 3 प्लस 2 आए, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता तो वही होता है। अब नीचे वाला देखो a माइनस बी ए प्लस बी, आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई क्या होता है, फॉर्मूला पता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे बीच में माइनस, फिर इसके बाद 2i है, 2i तुम्हारा b है, तो 2i का स्क्वायर करना, मतलब b का स्क्वायर, तो 2i का स्क्वायर। इधर a प्लस आई भी वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब 3 प्लस 2i ऊपर मैंने वैसा का वैसा लिखा, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे कोई मल्टीप्लाई कुछ नहीं है। नीचे का चेक करेंगे 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, फिर उसके बाद माइनस, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और i का स्क्वायर हो जाएगा, i का स्क्वायर हो जाएगा, 2i दोनों का स्क्वायर करना है, नहीं तो बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि 2 का स्क्वायर करते हैं i का नहीं करते हम लोग, या फिर i का करते 2 का नहीं करते। ऊपर ये एज इट इज लिखो 3 प्लस 2i, नीचे 9 माइनस 4, वैसा का वैसा, आई स्क्वायर होता है माइनस 1, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 होता है, आई स्क्वायर होता है माइनस 1, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 प्लस 2i है, 3 प्लस 2i ऊपर एज इट इज लिखूंगा, नीचे 9, अब ये देखो मल्टीप्लाई है, 4 वन सा 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, बहुत लोग गलती करते हैं माइनस और माइनस प्लस करते लेकिन साइन माइनस की लगाते, वो कब होगा जब यहाँ पर ऐसा होता था माइनस 4 माइनस 1 यहाँ होता था तो हम लोग इसको माइनस 5 लिखते थे, इन दोनों को प्लस करते थे लेकिन साइन माइनस की लगाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 है, मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, उसके लिए मैंने ब्रैकेट यूज़ किया यहाँ पर। तो 4 वन जब 4 करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 यूज़ करूँगा मैं उसको, तो यहाँ पर देखो प्लस 4 आ रहा है, ठीक है। इधर आपका ए प्लस आई भी एज इट इज़ लिखो। अब आप देखो ऊपर है 3 प्लस 2i, नीचे आएगा तुम्हारा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 क्या होता है 13 होता है, ठीक है। a प्लस आई बी इज इक्वल टू वैसा का वैसा। अब ये देखो रियल नंबर को मैं 13 से डिवाइड कर दूंगा, सेपरेट करते रहूं, और इमेजिनरी नंबर 2 को भी 13 से डिवाइड कर दूंगा i, तो आप देखो a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। मैं i यहाँ पर बाद में लिखा हूँ, यहाँ पहले लिख देते हम लोग, a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। देखो a बोले तो आपका 3 बाय 13 हो गया, उसके बाद प्लस, फिर आए, फिर बी बोले तो 2 बाय 13 हो गया, तो आपको ए और बी मिल गया यहाँ पर इस हिसाब से। तो ए आपका आएगा 3 बाय 13 और बी आएगा आपका 2 बाय 13, तो ए और बी आपका निकल गए, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू।